புரியல. जाने वाला था आज बीच रास्ते में ही खराब हो गया। अरे ये छोटू देखना रमेश बाबू की बाइक को क्या हुआ। ठीक है बाबूजी। ये छोटा बच्चा गाड़ी काम करेगा क्या करे रमेश बाबू। अरे पेट तो सबका है और सबको तो चलाना ही पड़ेगा ना। और फिर भी ये स्कूल जाने की उम्र में तुम यहाँ पर रख रहे हो उसको। अरे क्या करे उसका बाबूजी गुजर जाने के बाद 6 महीने हुआ है यहाँ पे काम में लगा है। इतना छोटा सा बच्चा फिर भी काम कर रहा है। जग्गू जा ले ये कबूल जुना ले तुम्हारी हाथी यार मुझे आगे दिन में सावन बिट्टू बेटा थोड़ा संभल के जाना। किरण बाबू किरण बाबू कितना फोन पड़ रहा है। ये जगू पड़ रहा था रमेश बाबू जगू पड़ रहा था। तुम तो बोल रहे थे ये स्कूल नहीं जाता। क्या करे बाबू उसका फैमिली कंडीशन बहुत खराब है इसलिए काम पे पड़ा है। लेकिन जब टाइम मिलता है थोड़ी बहुत पढ़ लेता है। पढ़ लेता है हाँ। तो पढ़ने में मन इसका जरूर है। हाँ है। तो उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। मैं कैसे भेज सकता हूँ आप तो बड़े आदमी है आप थोड़ा कोशिश कीजिए ना। तो मैं क्या करूँ इसके लिए तो सरकार किया है सबने ना इसके लिए पढ़ाई स्कूल किताब सब दिया है। ऐसा क्या और क्या। अरे बेटा जगू जगू इधर आ जाओ। जगू किताब तुम पढ़ रहे थे जी। पढ़ने का मन है तो स्कूल चलो। स्कूल तो चला जाऊंगा बाबूजी लेकिन घर के बारे में कौन सोचेगा। तुम घर के बारे में चिंता छोड़ो मैं तुमको एक एड्रेस देता हूँ कल सुबह
जाकर वहाँ पर पहुँचना तुझे, ध्यान रखना, कल सुबह जाकर पहुँचना और मेरे बारे में उनको बताना, वो तुम्हारा काम सब कर देंगे। ओके, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जगदीश कुमार। जगदीश? रमेश बाबू ने भेजा है। अच्छा अच्छा, रमेश सर ने भेजा है। हाँ, बैठो बैठो, सर ने बताया है तुम्हारे बारे में। थैंक यू। तुम करते क्या हो? गैरेज में काम करता हूँ। तुम पढ़ना चाहते हो? जी मैम, पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो तुमको क्या लगता है तुम नहीं पढ़ पाओगे? शिक्षा तो सबका अधिकार है, तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारे पढ़ाई का बंदोबस्त हम लोग कर देंगे। मैम पढ़ाई तो हो जाएगा लेकिन घर के बारे में कौन सोचेगा? घर की चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। तुम बस अभी अपना पढ़ाई जारी रखो। मैम अभी तो आप हेल्प कर देंगे लेकिन जो बड़े क्लास में जाऊँगा वहाँ ज़्यादा पैसा चाहिए, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जब तुम उच्च शिक्षा के लिए जाओगे तो हम लोग तुम्हें बैंक से एजुकेशन लोन दिलवा देंगे, फिर जब तुम नौकरी कर लोगे तो तुम्हें फिर वो पैसा बैंक को वापस चुकाना होगा। मैं इतने हेल्प कर देंगे तो मैं जरूर पढ़ लूंगा। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, तुम्हें स्कूल लेकर जाना है। ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या? अगर एक साइकिल का बंदोबस्त कर दे। ठीक है, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, तुम कल सुबह आ जाना। ठीक है। पेपर पेपर पेपर
माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। अरे बिट्टू बिट्टू रुक तो। अरे बिट्टू बाबूजी कहाँ है? अरे जग्गू तू इधर सज धज के कहाँ जा रहा है? तू छोड़ ना, बोल बाबूजी कहाँ है। अरे बोल ना, कहाँ जा रहा है तू? अरे एक इंटरव्यू इसके लिए जा रहा हूँ, बोल बाबूजी। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? अरे नौकरी का इंटरव्यू है। अब बोल बाबूजी कहाँ है। बाबूजी तो बाहर गया है, इसलिए मैं अकेला गैरेज जा रहा हूँ। बाबूजी बाहर चले गए, सोचा था कि इंटरव्यू जाने से पहले उनसे मिल लूँ। चलो कोई नहीं, मेरा लेट हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा है ना, ठीक है जा। और कुछ भी नहीं होगा ना फिर आ जाना मेरे गैरेज में। पहले बाबूजी के साथ काम करता था, फिर आकर मेरे साथ ही काम करेगा, और क्या। चलना चलना तू आओ। नमस्ते, बोलिए। मैं आप ही के पास जा रहा था, कुछ काम था क्या? हाँ, क्या है कि ये बच्चा मेरा दूर का रिश्तेदार है, तो ये पूरा बेसहारा हो गया और मेरे पास भी इतना पैसा नहीं कि इसका खर्चा उठाऊँ। आप तो बहुत बच्चे के रखा है आप, मैं सुना हूँ, तो इसीलिए आपके पास ही लेकर आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बेटा आओ, आप चलते हैं। Yeah.